आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। इस दुनिया ठाकुर की संज्ञा परमपिता परमात्मा को मिली है और यह हमारा सौभाग्य है कि इस धरती पर हमें भी ठाकुर की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। इस परिभाषा का हमें परिचय बनना होगा और राजपूतों को अपना चाल चरित्र और आचरण प्रभु के जैसा बनाना होगा, तभी हम सच्चे राजपूत बनेंगे। यदि हम छोटी छोटी बातों में बट जाएंगे तो राजपूत कैसे कहलाएंगे। हमें विसंगतियों और त्रुटियों को दूर करना होगा। उक्त उद्गार मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने राजपूत समाज द्वारा आहूत बैठक में व्यक्त किए। सर्व क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह पवार ने कहा कि राजपूत समाज की तरक्की एवं व्यसनों से मुक्ति को लेकर मुख्य अतिथि उषा दीदी ने प्रेरक उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन इंदौर नगर निगम के पूर्व सभापति अजय सिंह नरुका ने किया। क्षत्रिय महासभा युवा इकाई के जिला अध्यक्ष अजय सिंह पवार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी राजपूत समाजजनों का आभार व्यक्त किया। यदि राजपूत ही छोटी छोटी बातों में बट जाएंगे तो राजपूत कैसे कहलाएंगे। बंधुओं, संपूर्ण समाज हमको ठाकुर की संज्ञा लेता है। ये ठाकुर की संज्ञा या तो परमपिता परमात्मा को मिली है या इस धरती पर हम राजपूतों को मिली। संज्ञा उस परिभाषा का परिचय बनना पड़ेगा आपको हमको, और यदि वो हम नहीं बन पाए तो फिर हम कैसे राजपूत। हम सब इतनी बड़ी संख्या में मौजूद, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी रगों में बहने वाला खून हमारा पथ प्रदर्शक है। फिर वो कौन सी त्रुटियां हुई, वो कौन सी विसंगतियां हुई जो कहीं न कहीं हम पतन के मार्ग पर अग्रसर हुए। दूसरे समाजों को जब संगठित देखती हूं तो सचमुच मन उद्वेलित हो उठता है। हंसते हैं दूसरे समाज, कहते दरबार 6 बजे के बाद होश में तो मिल जाए। जब चाल चरित्र और आचरण प्रभु के जैसा नहीं रखोगे तो कैसे राजपूत कहना। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं अपने दैनंदिन जीवन को भी इन महापुरुषों की दिनचर्या पढ़ के उनके मुताबिक बनाने की ये बहन ये बेटी आपसे प्रार्थना करती है। राष्ट्र जिन विसंगतियों से गुजर रहा है, दुनिया तो चाहती ही है कैसे भारत फिर से विश्वगुरु बन जाए, कैसे त्रेता के राम इस देश का नेतृत्व कर ले, कैसे महाराणा प्रताप की शूरवीरता यहाँ के लोगों की रग रग में समाहित हो जाए। हर आदमी कड़ा है राजपूतों की परीक्षा लेने को। हमें अपना दिल दिमाग कार्य आचरण चाल चरित्र सब मजबूती के साथ दृढ़ता के साथ रखना हो। बहुत बढ़िया परिभाषा आपने दी है। ठाकुर या तो उस परमपिता परमात्मा को कहते हैं और धरती पर राजपूत समाज के लोग इस संज्ञा से नवाजे जाते हैं, तो हमारी भूमिका प्रभु की तरह हो, क्योंकि हम उन्हीं की संतानें हैं। सबको न्याय दिलाना, सामाजिक समरसता रखना, दुखी गरीब परेशानों की मदद करना, ये हम राजपूतों के कर्तव्य है। और इस कर्तव्य की कसौटी पर संपूर्ण राजपूत समाज खरा उतरे, ये प्रार्थना मैंने उनसे की। कुछ बिखराव की भी बात है, ये राजपूत समाज कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बिखराव नहीं है, राजपूत बड़े निर्मल मन का राष्ट्र से प्रेम करने वाला है और राजपूत और राष्ट्र पर्याय हैं देशभक्ति के। कुछ आपने इस तरह की बात भी की कि कुछ नशा वगैरह जो होता है उसको लेकर भी समाज में जागरूकता की बात। समाज सुधार की जो आवश्यकता है वो तो है ही, कि हमें हमारा चाल चरित्र और आचरण हमारे महापुरुषों की तरह करना होगा। और राघवेंद्र सरकार जो हमारे आराध्य हैं, हम उनके जीवन पद्धति को अपने जीवन में उतारें और उन्हीं के मुताबिक श्रेष्ठ जीवन जिए। आगामी जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है 3 तारीख को, उसको लेकर भी कुछ संदेश। देखिए, वो तो लोकतंत्र है
और सब राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के साथ ही होंगे, ये तय है। आज की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, ठाकुर जी ने मीटिंग रखी, कोई अच्छे सुझाव भी दिए? नहीं, आदरणीय परम सम्मानीय उषा दीदी यहाँ गेस्ट थे, अतिथि के रूप में आए थे। ये हमारे छत्री महासभा जय राजपूताना संघ युवा छत्री महासभा जिला इंदौर ने इस सभा का आयोजन किया गया था और यहाँ हमारे राजपूत बंधुओं को बुलाया गया था। क्या महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई यहाँ पर? हमारा राजपूत समाज तरक्की करे, राजपूत समाज व्यसन मुक्त हो, राजपूत समाज राष्ट्रभक्त दल के साथ खड़ा हो, ऐसी यहाँ चर्चाएं हुई। आज सावेर विधानसभा में के अंतर्गत जितने भी राजपूत समाज के गांव आते हैं वहाँ के सभी राजपूत बंधु एकत्रित हुए हैं। संबंध ये था कि पिछले कांग्रेस सरकार में भी हमने जो पद्मावती के समय जो राजपूत समाज के युवाओं पर केस लगे हैं उनको केस को वापस लेने के संबंध में, महाराणा प्रताप जी के जन्मदिवस पर जो छुट्टी अवकाश घोषित करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूर्व में पद्मावती जी के लिए स्मारक का उन्होंने हाँ करी थी पर वो मांगे आज तक पूरी नहीं हुई है। पर उनको ये लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम पहले भी ये चीज़ बोल चुके हैं और कांग्रेस सरकार में भी हमने केस लेने के लिए बोल चुके हैं और आज भी हमारी मांगे वही है। आज से 2 महीने पूर्व में उन्होंने सीएम हाउस बुला के बोला था कि राजपूत समाज में क्या नाराजगी है, उन्होंने सीएम हाउस में बुला के ये बातें हमने जो हमारी जो मांगे थी वो रखी थी और उसी संबंध में आज ये चाहता है कि राजपूत समाज वापस उनका एकत्रित होकर अपनी आगे की रणनीति तय करेगा, इसलिए एकत्रित हुआ। दीदी हमारे समाज की गौरव है, पूरे मध्य प्रदेश में राजपूत समाज की गौरव है, इस कारण वो यहाँ आई है क्योंकि प्रतिनिधि करती है हमारे समाज का। माननीय नरुका जी भाई साहब है वो भी प्रतिनिधि करते हैं। हम जितने भी यहाँ राजपूत समाज के संगठन हैं, करणी सेना हो गई, जय राजपूताना संघ हो गए, क्षत्रिय महासभा है, सारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं और जो आ सकते थे, जितनों को एक दिन में सूचना दे दी गई। कोई चुनाव में बहुत सारी मांगे मानी जाती है, ऐसा नहीं है कि इसको चुनावी मुद्दा लेके ये मांगे को चुनाव के लिए आई है। हम पहले भी इनके लिए ज्ञापन दे चुके हैं, बस ये है कि वो मंच दूसरा था और आज ये मंच दूसरा है।